महज 13 वर्ष और 25 रुपए वेतन से अपना कार्यकाल शुरू करने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। दरअसल जनवरी के पहले हफ्ते में ये खबर आती है कि लता मंगेशकर कोरोना व नमोनिया पीड़ित हैं और उन्हें सिटी हॉस्पिटल के वेंटिलेटर रूम में रखा गया है। वहीं 6 तारीख को एक खबर आती है कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। खत समाचार स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी के निधन की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रिपोर्टर्स ऑन दिस एज़ वेल, शी पास्ड अवे एट 92। न्यूज़ कमिंग इन, लता मंगेशकर इज नो मोर। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 में इंदौर के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था, पर इनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जो शायद ही कुछ लोग जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लता मंगेशकर का असली नाम हेमा मंगेशकर था। नंबर दो, लता मंगेशकर को पहला ब्रेक गाने के लिए नहीं बल्कि एक नाटक में एक्टिंग के लिए मिला था। फैक्ट नंबर तीन, लता मंगेशकर ने 1942 में एक मराठी फिल्म कीथी हसर के लिए गाना गाया, हालांकि ये गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। फैक्ट नंबर फोर, उन्होंने मात्र 13 वर्ष और 25 रुपए वेतन से अपना कार्य शुरू किया था। नंबर पाँच, इन्होंने कई भारतीय भाषा में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए। नंबर छह, उनको गाना गाने के साथ साथ गाना लिखने व फोटो खिंचवाने में भी रुचि थी। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।